जन्मादि संस्कार में। और वहां के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय, सब संतन की जय। वाह जी वाह जी। 31 जुलाई 2024 महाराज ने एक और दिन दिखाता है। बड़े बड़ा धन्यवाद है तेरा महाराज, ये बस सत्संग दे नाल जोड़ी रखी आखरी दिन तक। ये साडी अरदास, ते सब घरां सुखां दा वास करो महाराज, दुखां दा नाश करो, कृपा बनाए रखो, सुंदर जीवन होए, सुंदर सारा कर्म होन ऐसा जो तुहानू पसंद होन महाराज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे इन आवर लाइव्स। थैंक यू। ते अज दे सत्संग दा जेड़ा के नाम ही संत श्रद्धा राम सत्संग परिवार, वाह वाह। ओदी आपा प्रारंभता कराने आ गुलाटी साहब तो, जेड़ा जुड़दे ने न्यूयॉर्क सिटी तो, मनहैटन तो, रोज अमेरिका तो जुड़ के, ते साडे नाल 3 घंटे गाण दी ते सुनन दी हाजरी जिहड़ी लगांदे ने, सानू वाहिगुरु दे नाम नाल जोड़दे हैं रोज, गुजारिश करदे आ। शुरू करो गुलाटी साहब, महेंद्र गुलाटी जी, फिर थैंक यू। रहे जी जगदीश जी, फिर रेनू रेनू चिलाना जी। हाँ जी लगाओ जी फिर। अपनी लाइन ना भूलना, चौथे तुसी हो। जोता मैं सतनाम ठीक। श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु, अच्छा शीला जी बहन जी सतनाम जुड़ गए, सतनाम 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 जी, श्री वाह। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, जी, श्री श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सेवक की अरदास प्यारे, जब जब जीवा तब चरण तुम्हारे। सत नाम जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम सतनाम जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। फिरत फिरत प्रभु आयो, पर्यो तो शरनाई, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भगति लाई, अपनी भगति लाई। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी। कवन संजोग मिलो प्रभु अपने, पल पल निमक सदा हर जपने, चरण कमल प्रभु के नित ध्याओ, कवन समत जिस प्रीतम पाओ, ऐसी कृपा करो प्रभु मेरे, हर नानक विसर न काहू मेरे। सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे।
सत नाम जी कीर्तन गुरु लोड़े सो प्रभु होए, तुझ बिन दूजा नाहीं कोए, जो जन सेवे तिस पूरन काज, दास जी अपने की राखो लाज, दासी अपने की राखो लाज, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 तेरी शरण पूरन दयाला, तुद बिन कवन करे प्रित पाला, जल थल मैयल रया भरपूर, निकट बसे नाही प्रभ दूर, लोग बतियाए कछु ना पाये, साच लगे ता हो में जाये, जिसनो लाए लगे सो लाके, ज्ञान रतन अंतर तिस पाए, ज्ञान रतन अंतर तिस पाए, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, मेरा वेद गुरु गोविंदा, मेरा वेद गुरु गोविंदा, मेरा वेद गुरु गोविंदा, हर हर नाम ओखद मुख दे, काटे जम का फंदा, काटे जम का फंदा, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम जी श्री वाहे गुरु गुरु चरण तुम्हारे हृदय बसे, संतन का संग पाऊं, शोक गन में मन नवे आपे, आठ पहर गुण गाऊं, आठ पहर गुण गाऊं, आठ पहर गुण गाऊं, आठ पहर गुण गाऊं, सतनाम 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 जी, श्री वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु जी, सतनाम 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 जी श्री वाहे गुरु वाहे वाहे गुरु वाहिगुरु जी, वाहिगुरु का खालसा वाहिगुरु की फतेह। एन जी संगत लगी हुई सी ते गुरु गोबिंद सिंह जी सियासन ते बैठे सन, ते एक बंदा अपना दसवंत लैके ते मत्था टेकया, दसवंत अगे रखिया, ते उन्होंने कोई खास रिस्पांस नहीं दिती, बल्कि थोड़ा
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹਕੀਮ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੂੰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਏ, ਚੱਲ ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰਾ ਦਸਵੰਤ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਇਧਰੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹ ਚ ਲੋਕ ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਧਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕੁਟੀਆ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਗਏ, ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਕਦੀ ਤੇ ਤਰੁੱਠਣਗੇ, ਕਦੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਏਗੀ, ਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਇਆ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਧਰ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹੀ, ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇਤਨੇ ਵਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਾਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਹੀ, ਬੜਾ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਵੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਏ, ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਆਓ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅਰਦਾ ਕੋਈ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਡੀਟੋਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਚ ਰਸਤਾ ਤੱਕਦਾ 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 ਬੜਾ, ਮਤਲਬ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਡੇਟ 3 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਦ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਏ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਗਰਜ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਏ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਏ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬਕ ਵੀ ਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਏ ਤੂੰ ਹਕੀਮ ਏ, ਤੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਏ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ, ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਸਾਰਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏਗਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਸੁੰਦਰ, ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਜੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਜੈ ਹੋ, ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸੁੰਦਰ ਹਾਂਜੀ ਰੇਖਾ, ਰੇਖਾ ਜੀ ਆਪ ਜੈਕਾਰਾ ਲਗਾਏ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬੁੱਧ ਜੀ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ, ਰੇਨੂ ਜੀ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਰੇਨੂ ਜੀ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੋਮਲ ਜੀ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਫਿਰ ਸ਼ੀਲਾ ਜੀ ਬੋਲੇਂਗੇ, ਤੇ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸੁਸਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸਹੀ ਥੈਂਕ ਗੱਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾਈ ਜੈ, ਰਾਹੀ ਜੈ ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਧੂਲ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਾਪੂ ਤੇਰੇ ਚਰਨੋਂ ਕੀ ਇੱਕ ਧੂਲ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸੱਚ ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏ, ਕਹਿਤੀ ਹੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲ ਜਾਏ।
बापू तेरे चरणों के एक धूल जो मिल जाए। बापू तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा नाम जपूं। मन बड़ा चंचल है, जितना कैसे तेरा नाम जपूं। हाँ इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। बापू तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। बापू तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। तो से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। बापू बापू तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है। तेरी रहमत दिन रात बरसती है। एक बूंद जो मिल जाए कली मन की खिल जाए। जो मिल जाए कली मन की खिल जाए। बापू तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। सच कहती हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। सच कहती हूँ मैं तकदीर बदल जाए। बापू इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बापू इस जीवन की बस एक तमन्ना है।
बापू इस जीवन की बस एक तमन्ना है। बापू इस जीवन की बस एक तमन्ना है। तुम सामने हो मेरे, आपका प्यार मिल जाए। सामने हो मेरे आपका प्यार मिल जाए। दाता तेरे चरणों की एक धूल जो मिल जाए। दाता तेरे तेरे चरणों चरणों की की एक धूल जो मिल जाए। एक सच कहती हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। ओम बापू नंदा चोर वाले, आपकी सदा नजर जय। बहुत प्यारा रेणु जी का नजरों कर बहुत लिया, सुंदर जयकारा लगाओ नजरों जी से रेणु भी जी। ना ना आपकी सजो भी सजा देना नजरों से गिराना नजरों से गिराना चाहे जो भी सजा दे। बहुत सुंदर रेखा जी शुरू। ओम बापू नंदा चोर वाले आए, आपकी सदाई जय। स्वामी श्रद्धा राम जी महाराज, आपकी सदाई जय। तेरे दर्शन को श्रद्धा राम बापू, नैनी प्यास से बहुत तरसते हैं। तेरे दर्शन को श्रद्धा राम बापू, ज्ञान प्यासे बहुत तरसते हैं। याद आती है जब तेरी बापू, मेरे नैनों से भी झलकते हैं। वनिला फूल तेरे दीवाने हैं, हरे जिनके तूने पैमाने हैं। वनिला फूल तेरे दीवाने हैं, भरे जिनके तूने पैमाने। तेरा ऐसा मैं खाना बापू जी, पीने वाले नहीं बहकते हैं। तेरा ऐसा मैं खाना बापू जी, पीने वाले नहीं बहकते हैं। याद आती है जब तेरी बापू, नीर नैनों से भी झलकते हैं। तेरी जिस पे नजर पड़ी बापू, ना कोई उसको रही कमी बापू। तेरी जिस पे नजर पड़ी बापू, ना कोई उसको रही कमी बापू।
तेरी रहमती की छाया है, जग में तारों से वो चमकते हैं। जिस पे तेरी रहमत की छाया है, जग में तारों से वो चमकते हैं। याद ते आती है जब तेरी बापू, नीर नैनों से भी छलकते हैं। रौनके तेरे दर पे लगती है, महफिलें तेरे दर पे सजती है। रौनके तेरे दर पे लगती है, महफिलें तेरे दर पे सजती है। तेरी नजरें करम से भक्तों को तूने आंगन में फूल खिलते हैं। तेरी नजरें करम से भक्तों को तूने आंगन में फूल खिलते हैं। याद आती है जब तेरी बापू, नीर नैनों से भी छलकते हैं। जो भी तेरी शरण में आया तूने उसको गले लगाया। जो भी तेरी शरण में आया तूने उसको गले लगाया। काम धंधे भी जिन के थे मंदे, तेरी कृपा से उनके चलते। काम धंधे भी जिन के थे मंदे, तेरी कृपा से उनके चलते हैं। याद आती है जब तेरी बापू, नीर नैनों से भी छलकती। तूने जिनके घरों के आंगन थे खाली खुशियों के, जिन के दामन थे। तूने जिनके घरों के आंगन थे खाली खुशियों के, जिनके दामन थे। कोई कृपा तो बच्चों से घर के कोने सभी चहकते हैं। तेरे दर्शन को शर्धाराम बापू, नैन प्यासे बहुत तरसते हैं। याद आती है जब तेरी बापू, नीर नैनों से भी छलकते हैं। मिलता मझधार में
किनारा तेरा होता जब इशारा मिलता मझधार में किनारा तेरा होता जब इशारा दिन गए देश में तेरा तो तेरी कृपा से ही बदलते हैं तेरी दर्शन को शारा बापू नैन प्यासे बहुत तरसते जब आती है याद आती है जब तेरी बापू नीर नैनों से भी छलकते कितने दुनिया तेरे गाती है जयकारी तेरे नाम से लगाती है कितने दुनिया तेरे ये गाती है जयकारी तेरे नाम के लगाती है चेहरे मुरझाए तेरी रहमत से जग में फूलों से वो महकते हैं तेरे दर्शन को शारा बापू नैनी प्यासे बहुत तरसते हैं याद आती है जब तेरी बापू नीर नैनों से भी छलकते हैं वक्त ऐसा भी देखो आया है थोड़ी बापू ने जब ये काया वक्त ऐसा भी देखो आया है थोड़ी बापू ने जब ये काया है वो घड़ी आती जब भी याद हमें बादल बन आंसू फिर बरसते वो घड़ी आती जब याद हमें बादल बन आंसू फिर बरसते हैं तेरे दर्शन शारा बापू नैन प्यासे बहुत तरसते हैं याद आती है जब तेरी बापू नीर नैनों से भी छलकते हैं लोग गाते तेरे तराने अमर बापू तेरे फसाने है लोग गाते तेरे तराने है अमर बापू तेरे फसाने है तेरे सेवक बिना तेरे बापू पानी
मछली में मछली से तड़पते हैं, तेरे सेवक बिना तेरे बापू, पानी बिन मछली से तड़पते, तेरे दर्शन को शर्धाराम बापू, नैन प्यासे बहुत तरसते हैं, याद आती है जब तेरी बापू, नील नैनों से भी झलकते हैं, नील नैनों से भी झलकते हैं। ओम बापू बहुत श्रद्धा राम जी महाराज आपकी बहुत सदाई है। प्यारा रेणु जी, थैंक यू। जी बड़ा ही सुंदर है ये बहुत भजन। सुंदर। और मैं सोच रहा था अभी आखिरी अंतरा होगा, अभी आखिरी, अब पता लगा भी सेवक जी क्या है। दस वो दस इतने अंतरे होते हैं, आठ आठ दस। बड़े बड़े लंबे लंबे भजन होते हैं ना, वो सेवक जी कहिए। अच्छा सुनो, अभी ना मैं करता हूँ थोड़ी सी, मैं आपको हिदायत देता हूँ इसमें। जी वाह जी वाह। लोग गाते तेरे तराने हैं, अमर बापू तेरे फसाने हैं, तेरे सेवक बिना तेरे बापू, पानी बिन मछली से तड़पते हैं, याद में तेरी शरधा राम बापू। मैं प्यासे बहुत तरसते हैं। वाह बहुत सुंदर है सेवक जी की रचना, और आपने बड़े प्यार से गाई। जय बापू जी। गाओ जी, कौन गा रहा? हाँ जी, कोमल जी जकारा लगाए, अनम्यूट कर ले। थैंक यू जी। ओम बापू नंदा चरवालिया आपकी सदा, ओम शहंशाह झंडे की सदा, वो शिव शंकर भगवान की जय। एक दिन भोले शिव भंडारी बन के बिज की नारी, रास में आ गए रास में आ गए, पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए रास में आ गए। एक दिन भोले शिव भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए रास में आ गए, पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए रास में आ गए। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में श्याम संग राधा नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में ब्रिज में रास पड़ेगी भारी, हमें दिखाओ प्यारी, रास में आ गए रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरा, रास में आ गए रास में आ गए। हंस के गोरा बोली
कैसे ले जाऊं तोहे रास में, तोहे रास में मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में हंसी करेगी सखियां सारी, मानो बात हमारी रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के विज की नारी, रास में आ गए, रास में आ गए। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ये है सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रिजराज को, ब्रिजराज को। लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। मुख देख गोरा बोली बलिहार जाऊं इस रूप में, इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए मोहन भी आए इस रूप में, इस रूप में। मोहिनी छवि बनाई श्याम ने, अब है तुम्हारी बारी, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए, रास में आ गए। देखा मोहन ने तो समझ गए सारे राज को, सारे राज को। ऐसी बजाई बंसी तुद बिसराई, भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। सिर से खिसक गई जब साड़ी, साड़ी शर्माए, सिर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी, रास में आ गए, रास में आ गए। भोले बाबा कहने लगे अब राखो लाज हमारी, रास में आ गए, रास में आ गए। एक दिन शिव भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी, रास में आ गए, रास में आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरा, रास में आ गए, रास में आ गए। वो शिव शंकर भगवान की जय। बहुत प्यारा, थैंक यू बहुत बहुत। हाँ जी, वीना कक्कड़ जी आप हाँ बारी लें, उसके बाद रोजी जी आप टेक ओवर करें। थैंक यू जी। जय बापू जी। ओम बापू नंदा चोरवालिया आपकी सदा ही जय। घर आया मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। घर आया मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। देवकी के तुम जाए हो, देवकी के तुम जाए हो। जशोदा गोद खिड़ाए हो, जशोदा गोद खिड़ाए
नंद कहे मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। नंद कहे मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। घर आया मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। जमुना तट पर जाते हो, जमुना तट पर जाते हो, सखियों के जीर चुराते हो, सखियों के जीर चुराते हो। सखियां कहे मेरा गोपाला, मोर मुकट मुरली वाला। सखिया कहे मेरा गोपाला, मोर मुकट मुरली वाला। घर आया मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। मीरा बाई अर्ज करे, मीरा बाई अर्ज करे, हरि चरणों में ध्यान धरे, हरि चरणों में ध्यान धरे। अमृत कर दिया विश्व प्याला, मोर मुकट मुरली वाला। अमृत कर दिया विश्व प्याला, मोर मुकट मुरली वाला। घरे आया मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। निधि वन में तुम जाते हो, निधि वन में तुम जाते हो, गोपियों संग रास रचाते हो, गोपियों संग रास रचाते हो। झूम उठी सारी ब्रज बाला, मोर मुकट मुरली वाला। झूम उठी सारी ब्रज वाला, मोर मुकट मुरली वाला। घरे आया मेरा नंद लाला, मोर मुकट मुरली वाला। कष्ट पड़े तभी आते हो, कष्ट पड़े तभी आते हो, भक्तों की लाज बचाते हो, भक्तों की लाज बचाते हो। भगत कहे मेरा रखवाला, मोर मुकट मुरली वाला। भगत कहे मेरा रखवाला, मोर मुकट मुरली वाला। घरे आया मेरा नंद लाला, मोर
मोर मुकुट मुरली वाला, मोर मुकुट मुरली वाला। बोल बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, जय श्री वीना राधा। कक्कड़ जी, बहुत प्यारा वीना कक्कड़ जी, थैंक यू। हाँ हाँ जी, जी सर, रमेश पैन जी, जरा अनम्यूट करके जयकारा लगाओ। रमेश पैन जी हो उत्ते ते, जयकारा लगाओ जी। चांद दीदी, जय बापू दी। कविता जी, जय बापू दी। जय बापू दी, सारे जय बापू दी। रमेश रमेश पैन जी जकारा लगान लगे ने, उन्होंने अनम्यूट कर लिया। बापू जय ठीक है, रोजी आप हैं। हैं, बापू, हाँ जी, लगाओ। जय बापू, जय बाबा। जय बापू, बापू नंदा चुआ ग्वालिया आपकी सदा की जय। नहीं से मांगता हूँ तुमको मेरे भगवन, मैं तुम्हीं से मांगता हूँ तुमको मेरे भगवन, तुम जैसी साफ नजरी, तुम जैसा पाक जीवन, तुम वाह जैसी साफ नजरी, तुम जैसा वाह, पाक जीवन, दाता मुझे किसी की कमियों से क्या है लेना, डरता हूँ मैं निधि तो है तुम्हें हिसाब देना, औरों की खामियों पर ये नजर मेरी पड़े ना, मैं तुम्हें से मांगता हूँ तुमको मेरे भगवन, तुम जैसी साफ नजरे, तुम जैसा पाक जीवन, शक की निगाह से ना मैं किसी के कर्ण तोलूं, आंखों को कानों को तुम्हारी तरह खोलूं, जिस पर मुझे चलाओ, जिस पर मुझे जी चलाओ, मैं उसी डगर पे बोलूं, मैं तुम्हीं जी से मांगता हूँ तुमको ऐ मेरे भगवन, तुम जैसी साफ नजरी, तुम जैसा पाक जीवन, नफरत करे जो मुझसे मैं उसे भी दूँ मोहब्बत, दुनिया वाह हर बशर की कर पाऊँ दिल से इज्जत, सबसे ही प्यार करना बन जाए मेरी आदत, मैं तुम्ही से मांगता हूँ तुमको ऐ मेरे भगवन, तुम जैसी साफ नजरी,
जैसा काफी जीवन जो तुम्हें पसंद ना हो मैं वो बन के क्या करूंगा, जो दास चाहते हो मैं वही किया करूंगा। हर सांस है तुम्हारी, हर सांस है तुम्हारी, तुम पर फिदा करूंगा मैं, तुम्ही से मांगता हूँ तुमको ए मेरे भगवान, तुम जैसी साफ नजरी, तुम जैसा पाप जीवन, मैं तुम्ही से मांगता हूँ तुमको ए मेरे भगवान। जय बापू। बहुत प्यारा, बहुत बहुत प्यारा। थैंक यू रोजी जी। हाँ जी, अभी कविता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सुनीता जी भी आ गए हैं। सुनीता जी, जयकारा जी लगाओ। हाँ जी, ओम उसके बाद बापू चांद दीदी भी आप शरदारानंदी तैयार महाराज, हो। आपके ओम भाई बापू चांद, शरदारानंदी महाराज आपकी आपकी सदा। सदा की जय। रोजी बहुत सुंदर है। हाँ जी गाओ सुनीता। सतगुरु जान तो प्यारे आ, शहद तो मीठा तेरा नाम, माता ईश्वरा दी अख दिया तारे आ, तेनु बार बार सजदा करा। सतगुरु जान तो प्यारे आ, शहद तो मीठा तेरा नाम, माता ईश्वरा दी अख दिया तारे आ, तेनु बार बार सजदा करा। पिता गोविंद दास दे राज दुलारे जी, सजदा करन आके अरशा तो तारे जी। वाह पिता गोविंद दास दे राज दुलारे जी, सजदा करन आके अरशा तो तारे जी। धन धन भागा वाली धरती, जिंदा रखे आटी पिंड ना। हो, सतगुरु जान तो प्यारे आ, शहद तो मीठा तेरा ना, माता ईश्वरा दी अख दिया तारे आ, तेनु बार बार सजदा करा। बापू शरदा राम तू है वाली दो जहान दा, किते खेलने नया रे ताइयो सारा जग जान दा। बापू शरदा राम तू है वाली दो जहान दा, किते खेलने नया रे ताइयो सारा जग जान दा। सुखा नाल भरदा है झोलियां, सचखंड वाला दस दायरा। वाह 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 सतगुरु जान तो प्यारे आ, शहद वाह। तो मीठा तेरा ना, माता ईश्वरा दे अख दे तारे आ, तीनू लख वार सजदा करा। देसी घी दे दीपक तेरे मंदिरां विच जग दे, गल विच सोने हार बड़े प्यारे लग दे। देसी घी दे दीपक तेरे मंदिरां च जग दे, गल विच सोने हार बड़े प्यारे लग दे। चारों पासे रूप तेरा दिसदा, जिधर भी मारा नजरां। सतगुरु जान तो प्यारे आ, शहद तो मीठा तेरा ना,
माता ईशरा दी अख दे तारिया तेनू बार बार सजता करा। बापू शारदा राम दी सिफता सुनावा की दे गई कलम जवाब की वे लिख लिख गावा जी। बापू शारदा राम जी दी सिफता सुनावा की दे गई कलम जवाब की वे लिख लिख गावा जी। बापू जी तेरे तो एहो मंगदा दे दे चरणा दे विच था सतगुरु जान तो प्यारिया शहद तो मीठा तेरा ना। माता ईशरा दी अख दे तारिया तेनू बार बार सजदा करा तेनू बार बार सजदा करा तेनू बार बार सजदा करा। बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदाई। ओम शहनशाह झंडे की सदाई जय। पूज्या वाह मंदरा वाल्या बापू जी आपकी सदाही जय। सुनीता जी, आपने समा बांध दिया, बहुत प्यारा, कमाल कर दी, वाह वाह वाह, बड़े बहुत सुंदर सुंदर बहुत सुंदर बहुत मधुर सुंदर वाणी मेरे सतगुरां दे, मधुर वाणी मेरे सतगुरां दे, लगे शहद वांग रा। मैं तो वाणी लिखा है, इन्होंने जिन्हें लिखा कितना सुंदर, भी नाम शहद तो ही मीठा तेरा नाम, बिल्कुल वाके भी शरदा राम कह के मानू शांति, एक शांति का एहसास, बिल्कुल एक बड़ा जागरे, शरदा राम नाम देखो कदे दुनिया सुने नहीं, यूनिक नाम शरदा राम, और जय जयकार मेरे शरदा राम भगवान, तेरी जय जयकार, सारी संगत नु सत करतार बापू जी, जय जयकार, चांदी दी प्रणाम तेरे चरणा, जय हो। हाँ जी, मासी जी जुड़ गए ने, उन्होंने हाँ रिक्वेस्ट जी, करके। परला सरला मासी प्रणाम, मासी जी ओ संगत को आशीर्वाद दे। जय हो। ओदे बाद अच्छा जोगिंदर जी तैयार हो, ओदे मैनू बाद दर्शन सालू, क्यों हाँ जी ओदे बाद सालू नहीं, जी आ गए ने, ओदे हाँ बाद जोगिंदर सिंह जी भी तैयार ने। हाँ जी लगाओ सरला जी, मासी जी आशीर्वाद दे संगत नु जी। जय जय वाहिगुरु, सतनाम श्री वाहिगुरु। बैठ रहे थे, मैं कहा जोगिंदर सिंह जी हाजिरी लगा ठीक लेंगे। है, हाँ जी जोगिंदर सिंह जी तुसी अनम्यूट कर लो, हाजिरी लो, तब तोड़ी सरला मासी जी सेट हो जाओ। सरला मासी जानते ही नहीं क्या मैं की करूं। चौबोलिया की सदा ही जय, ओम शहंशाह झंडे की सदा ही जय। जय जी जय, वाहे मेरे सतगुरु तेरा ही आसरा, दिन रात मेरे सतगुरु तेरा ही आसरा, कोई नहीं कोई मेरा, कोई नहीं कोई मेरा दाता तेरे सिवा, दिन रात मेरे सतगुरु तेरा ही आसरा, दिन रात मेरी सतगुरु तेरा ही आसरा। चरण गुरनाथ सतगुरु ना कहीं, अपने बगैर किसे मोहताज ना कहीं, चरणों का दूर आपने सतगुरु ना करी, अपने बगैर किसे राम काज ना करी, तेरे सहारे चंद दर में
तेरे सहारे चलता रहे जीवन दाखा पिला दिन रात मेरे सत्य गुरु तेरा ही आसरा दिन रात मेरे सत्य तेरे ही गीत गाऊं गुजरे मेरी उम्र दे हमेशा वास्ते मेरी जुबानवर तेरे ही गीत गाऊं गुजरे मेरी उम्र दे हमेशा वास्ते मेरी जुबानवर अरदास है यो मेरी अरदास है मेरी यही इंतजार दिन रात मेरे सतगुरु तेरा ही आसरा दिन रात मेरे सतगुरु तेरा ही आसरा मेरे दिलो दिमाग विच तेरा जड़े ख्याल उठदा नहीं ओना दिल विच मेरे डर दा कोई सवाल मेरे दिलो दिमाग विच तेरा जड़े ख्याल उठदा नहीं ओना दिल विच मेरे डर दा कोई सवाल मेरे बसरा रहो दातिया पातशाह फरियाद कर रही अंत कभी नाथ नहीं अंत कभी आखरी दम तक नहीं निभा दिन रात मेरे सत्य गुरु तेरा ही आसरा दिन रात मेरे सत्य गुरु तेरा ही आसरा तेरा ही आसरा हम बापू नंदा आपकी सदा ही जय राही जय जी जय। बहुत सुंदर ताड़ा म्यूजिक दे नाल इन्नी मेहनत करना सानू इंस्पिरेशन मिलती है। असि भी म्यूजिक दे नाल थोड़ा जा गाया करिए है कोई लाइव या इस तरह का साउंड ट्रैक लगा के पिछे सुंदर लगता है। होर भी ठीक है। थैंक यू फॉर योर कोशिश। धन्यवाद। हाँ जी नेक्स्ट चांदी दी लगा रही है कौन जो भी लगा रहे लगाओ जी। सलाम जी सतनाम सतनाम बोल क्या सलाम है सलाम बोलो क्या वाहे बोले गुरु चांदी दे आपदा अनम्यूट कर लो। मासी जी तुहानू सदा दे रहे ने बोल बांके प्यारी लाल लाल की की जय। अजिया शाम मेरा रुस के बह गया तेरे नहीं आना फिर
जान दीवारी कह गया, अच्छा दिया शाम मेरा रुस के बह गया, तेरे नहीं आना फिर जान दीवारी कह गया, तेरे वाह, वेड़े आके कहना मक्खन खुआ दे तू, मेरे वेड़े आके कहना मक्खन खुआ दे तू, अगो मैं आख्या बंसरी सुना दे तू, थोड़ा गल दा फुआड़ा एना पै गया, तेरे नहीं हो आना फिर जांदी वाकी कह गया, निकलिया वाह शाम मेरा रूसी के बह गया, तेरे गया। नहीं हो आना फिर जांदी वारी कह गया, रज रज मक्खन सोचिया सी बंसरी, सोचिया सी बंसरी सुन के दिल नू रिझावांगी, रज रज मक्खन मैं शाम नू खुआवांगी, सोचिया सी बंसरी सुन के दिल नूरी चावांगी, रज रज मक्खन मैं शाम नू खुआवांगी, चा मेरा दिल वाला दिल विच रह गया, तेरे नहीं हो आना फिर जांदी वारी कह गया, निक्की जई गल दा फुआड़ा एना पै गया, तेरे नहीं हो आना ए जांदी वाकी कह गया, सांवरे बगैर चैन पल वी नहीं आंदा, सांवरे बगैर चैन पल वी नहीं आंदा, रोंदिया ने अखियां दिल वाजा मारदा, वाह रोंदिया ने अखियां दिल वाजा मारदा, चित चोर कर दी के कलेजा मेरा लै गया, चित चोर कड़ी के कलेजा मेरा लै गया, तेरे नहीं आवना ए जांदी वारी कह गया, निक्की जई गल दा फुआड़ा एना पै गया, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, तेरे नहीं आना फिर जांदी वारी कह गया, निक्का जिया शाम मेरा रुस के बह गया, बोल बंसरी वाले श्याम सुंदर की जय। होगा चल सुंदर मासी जी, जय जय बापू जी, जन्नो जय जय बाबा बापू बापू जी, जय बापू जी, ओम जय बापू जी, बापू नमः आपकी ग्वालिया आपकी सदा सलामी, ही जय जय जी जय। दार छोड़ के तुम्हारा जाना ना अब कहीं है, दार छोड़ के तुम्हारा जाना ना अब कहीं है, दुनिया कहे कुछ भी हमें परवाह नहीं है, दार तेरा छोड़ के जाना ना अब कहीं है, दुनिया कहे कुछ भी हमें परवाह नहीं है, देखा जब तुमको मैंने चोरी हो गई, देखा जब मैंने तुमको मैं तो तेरी हो गई, छोड़ दुनिया की प्रीत तेरे में खो गई, देखा वाह जब तुमको मैं तो तेरी हो गई, छोड़ दुनिया की प्रीत तेरे में खो गई, सिवा तेरे मुझे अब क्या किसी की नहीं, सिवा तेरे मुझे अब क्या किसी की नहीं, डर तेरा छोड़ते अब जाना नहीं, जी डर छोड़ के तेरा जाना नहीं है, दुनिया का कुछ भी परवाह नहीं, ना तो छोड़ तुझे पा लिया है, रिश्ते नातों को छोड़ तुझे पा लिया है, अब किसी की मुझे उत्ता भी नहीं है, रिश्ते नातों को छोड़ तुझे पा लिया है, अब किसी की मुझको क्या नहीं है, कहने को कुछ होगा तो तुम्हीं से कहूंगी, कहना होगा अगर कुछ तो तुम्हीं से कहूंगी,
मांगना होगा तो मैं तुमसे मांगूंगी, मांगना होगा तो मैं मांग लूंगी, उनसे बिल्कुल। क्या मांगा जिन्होंने रहना ही के नहीं, 4 मिनट हो गए, हम आउट। क्या मांगना जिन्होंने यहाँ रहना ही नहीं, छोड़ के तेरा जाना नहीं, दुनिया कुछ भी कहे हमें परवाह नहीं, अब मर्जी आप की है जीवन किया तेरे हवाले, अब मर्जी आप की है जीवन किया तेरे हवाले, मैं हूँ शरण में तेरी नैया भी तेरे हवाले, मैं हूँ शरण में तेरी अब नैया भी तेरे हवाले, अब यस तो तेरे बिना कुछ, अब तो तेरे बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है, अब तो तेरे बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है, डर वाह, छोड़ के तेरा जाना नहीं, डर छोड़ के तेरा अब तो जाना नहीं है, दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं, डर छोड़ के तेरा जाना नहीं, दुनिया कुछ भी कहे परवाह नहीं, सिवा तेरे मुझे अब किसी की चाबी नहीं, सिवा तेरे मुझे अब किसी की चाह नहीं, डर छोड़ के तेरा अब जाना नहीं, डर छोड़ के तेरा अब जाना नहीं, अब जाना नहीं, अब जाना नहीं, बोल बापू सरदार, ओम बापू सरदार, राम जी महाराज महाराज आपकी आपकी सदा आई। सदाई, वाह वाह वाह, बहुत इधर सुंदर। क्या मंगलवार है सदा बापू तेरी सदाई, ही जय। वाह जी वाह, पर भी तुहानू सत करतार कह रहे सारे, जय बापू जी, जय बापू जी, जय बापू। बात शाबाश, करता हैव अ गुड डे, जय बापू जी, जाओ जय जाओ, बापू लगाओ जी, बात जी, लगाओ करता जय लगाओ जी, लगाओ। कौन लगा रहे नेक्स्ट? आदि क्या? शानू जी, शानू जी और बीबी जी आप आज सुनने वाले हैं। ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी आपकी सदा, जय सदा ही बापू है। जी, सारी संगत नु जय बापू जी, जय बापू दी जी, जय बापू। रंग समान कोई ना दूसरा जानते, रंगे समान कोई ना दूसरा जानते, दूसरा जानते, रंगे समान कोई ना दूसरा जानते, गुरंगी दे ऐसे दर्शन ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसन, गुरंगी दे ऐसे दर्शन ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसन, गुरु जी दे दर्शन खातिर आवे दे जानते, गुरा जी दे दर्शन खातिर आवे दे जानते, गुरा जी दे दर्शन खातिर आवे दे जानते, आवे दे जानते, आवे दे जानते, गुरा दे समान कोई ना दूसरा जानते, गुरा दे समान कोई ना दूसरा जानते, गुरा जी अमृत वाणी पढ़े सुने मन चितला के, गुरा जी दी अमृत वाणी पढ़े सुने मन चितला के, बसे वैकुंठ धामी लिखे आ पुराण में,
बसे बैकुंठधामी लिखे आपुराणनी लिखे आपुराणनी पुराने समान कोई ना दूसरा जाने पुराने समान कोई ना दूसरा जाने। महारथी वेद कैसे गुरु बिन ज्ञान कैसे। महारथी वेद कैसे गुरु बिन ज्ञान कैसे। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे ना ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे ना ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे ना ध्यान में। आवे ना ध्यान में गुरां दे समान कोई ना दूसरा जानते। गुरां दे समान कोई ना दूसरा जानते। सत्संग करना सीखो जीव दे ही मरना सीखो। सत्संग करना सीखो जीव दे ही मरना सीखो। भव जल से तरना सीखो भव जल से तरना सीखो। गुरु जी से आज्ञा लेकर उड़ो आसमान में। गुरु जी से आज्ञा लेकर उड़ो आसमान में। गुरु जी से आज्ञा लेकर उड़ो आसमान में। उड़ो आसमान में पूरा दे समान कोई ना दूसरा जानते। पूरा दे समान कोई ना दूसरा बहुत जानते। ओम बापू नंदा चोर वाले आपकी सदा आइया। सुंदर, वाह जी वाह। ए बहुत भगत कश्मीर लाल जी महाराज बापू जी के परम सेवक, उन्हां दी ये रचना है, गुरां दे समान कोई ना दूसरा जहान है। वाह, बिल्कुल। सत्संग करना सीखो, जीव ते ही मरना सीखो। बंदर आप भगत जी का बेटा बोलता राजू है वाला भजन। अच्छा, ये राजू के कौन वाला राजू? राजू और भगत जी का बेटा लालचंद भगत भगत लालचंद भगत लालचंद जी ने बेटा बोल दिया। अच्छा वाह, बहुत सुंदर हो लालचंद जी। आप बड़े सुंदर लिखारी भी सी, गा दे सी। हाँ जी गाओ जी। अभी कौन लगा रहा है हाजिरी? फिर उसके बाद जी। जय बापू दी जय बापू जी। हाँ बेब जी नहीं लगाई चोर हाजिरी फिर। वाले आपकी सदा आई। जय जय श्रद्धा राम जी महाराज आपकी सदा आई। जय जय श्री श्याम जय श्याम। गुरु करो दर्शन सतगुरु आई। ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आई। सतगुरु आए मेरे कागज जगाए। सतगुरु आए मेरे कागज जगाए। अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। मैं मर जावा मेरिया जीवन अखिया। मैं मर जावा मेरिया जीवन अखिया। गुरा दे दीदार मैं अखिया। गुरा दे
अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। पिछली का पैराग्राफ सतगुरु दोबारा रिपीट करना प्लीज, आपकी आवाज मेरा नहीं आ रही थी। पिछला पैराग्राफ दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं मर जावा मेरिया जी अखिया, मैं मर जावा मेरिया जीवन अखिया, गुरां दे दीदार लई मैं सांभ सांभ रखिया, गुरां दे दीदार लई मैं सांभ सांभ रखिया। अखियो करो दर्शन सतगुरु आए, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, अखियो करो दर्शन सतगुरु आए, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। एना अखिया ने करम कमाया, एना अखिया ने करम कमाया, सतगुरु प्यारा आज साढ़े घर आया, सतगुरु प्यारा आज साढ़े घर आया, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आया, करो दर्शन सतगुरु आए। सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। एना अखियां दा मैं पलंग बनाया, एना अखियां दा मैं पलंग बनाया, पलंग बनाया सोने गुरानू बिठाया, पलंग बनाया सोने गुरानू बिठाया, अखियो करो दर्शन सतगुरु आए, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, करो दर्शन सतगुरु आए। एना अखियां तो मैं तन मन वारा, एना अखियां तो मैं तन मन वारा, एना अखियां तो मैं गुरां नू निहारा, एना अखियां मैं गुरां नू निहारा, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए। सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, सतगुरु आए मेरे पाग जगाए, अखियो करो दर्शन सतगुरु आए।
दुनिया वेख थक गईया यकिया, दुनिया वेख वेख थक गईया यकिया, दर्शन कीते आज रज गईया यकिया, वाह वाह, दर्शन कीते आज रज, दुनिया वेख वेख थक गईया अखियां, दर्शन कीते आज रज गईया अखियां, ओ अखी क्यों करो दर्शन सतगुरु आए, ओ अखियो करो दर्शन सतगुरु आए, सतगुरु तेरे पग जगाए, सतगुरु आए तेरे पग जगाए, ओ करो दर्शन सतगुरु आए, ओ करो दर्शन सतगुरु आए, ओम बापू शारदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। वाह जी वाह, अखियो सतगुरु सतकरतार नागपाल जी जुड़ गए ने। जय सरदार जी, जय बापू जी, सारिया नू जय बापू जी, बापू जी। जय ये इजाजत होवे, रोजी रोजी होश कर रही थी, मैं लगावा हाजरी। हाँ जी जी, हाँ जी, आपां ओ पढ़ते, आज मन कर रहा मेरा पढ़न ते। केड़ा इक कोर कृपा की कर दो स्वामी ने श्री राधे है। अज असी यशोदा मैया ते कृष्ण भगवान का जेड़ा ना, ये देखो ये दिस रहा इत्थे मेरे टी शर्ट के उपर हाँ जी, हाँ जी, देख बहुत ये वाला सुंदर फोटो साढ़े ना बैठक, आपां कहंदे ना उत्थे लिविंग रूम बैठक दे लग्या हुंदा सी ये वाला, है ना सरला मासी। ते है। इत्थे जाके फिर मैं मैं देख के दर्शन करके फिर मैं माता जी नूं कहिंदा मैं उधर जाके दुध पीना है। वाह वाह, जय हो बचपन दे। तो ये वाला फोटो मैं लगा रखा अज टी शर्ट ते, बड़ा अच्छा लगा। तो कृष्ण भगवान का आपां गाणिया, इक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। वाह, आपको भी अरे लड्डू गोपाल भाई, ये शालू जी के पोते को भी प्रणाम है, नमस्कार है। लड्डू गोपाल बिल्कुल ये भी गाएगा, देखो दादी माँ के पास बैठ के सुनता है, ये भी गाएगा देखना भजन। बोल बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक कोर कृपा, कोर मीन्स नजर, एक कोर नजर कर दो महाराज, एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे। वाह, मैं कहता हूँ संगत का प्यार देखो, ब्रिजवासियों का प्यार वो अच्छा। वृषभानु जी की तो लाडली थी ही, है ना, लेकिन सभी ने वहां, आप मंदिर में जाओ उनके महल में बरसाने में, तो उसका नाम है लाडली जी का मंदिर, लाडली जी का। इतना प्रेम राधा जी के साथ, श्री जी के साथ, इतना प्रेम लोगों का कि लाडली जी का मंदिर। वाह वाह वाह, वृष भानु जी की लाडली, सारे ब्रजवासियों की लाडली भी है। वाह वाह,
एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी, स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, एक और कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। वाह, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं, तेरे तो आधे से रोशनी के नाम, मैं तो राधा राधा सदा ही रटूं। आगों की नागपाल जी, तेरे द्वारे से लाडली ना हटूं कभी ना हटूं, तेरे द्वारे से लाडली मैं ना हटूं, तेरे द्वारे से लाडली मैं ना हटूं, तेरे द्वारे से लाडली के ना हटूं, कभी द्वारे से लाडली के ना हटूं, मेरे शीश कमल पग धर दो, मेरे शीश कमल पग धर दो स्वामी श्री राधे, एक कोर कृपा के कर दो राधे श्री राधे, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, हाँ मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, ओ निज नाम का मंत्र बता दीजिए, मेरे मन की सब हर दो, मेरे मन की मन का सब भर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे। मेरे मन की जीड़ा जो पीड़ा है व्यथा है महाराज, हर दो दूर कर दो, मेरी आस न टूटने पाए कभी, मेरी आस न टूटने पाए कभी, ओ श्यामा मेरे लाडली श्यामा, मेरी आस न टूटने पाए कभी, इस तन से प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण जाए कभी, इस तन से प्राण जाए कभी, कब जाए इस तन से प्राण राधिका जू, मुझे निज दर्शन का भर दो स्वामी श्री राधे, दर्शन का भर दो स्वामी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे, स्वामिनी श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, दासी की झोली भर दो स्वामिनी श्री राधे, एक कोर कृपा की कर दो स्वामिनी श्री राधे।
कृपा की कर दो, मेरी आस न टूटने पाए कभी, तन से प्राण जाए तभी, मुझे निज दर्शन का वर दो। और मेरे पे कृपा कर दी थी राधा जी ने, इसलिए हम क्या करेंगे, ये गाते गाते ये भजन ने मुझे राधा और कृष्ण भगवान के आशीर्वाद दिला दिया है, दर्श करा दिया था। क्या कहेंगे फिर, राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, राधा जी तेरे सदके सदके, मैं कान्हा जी तेरे सदके, तुमने इस दास पे रहमत करके सब पाप मेरे हर के, मुझे सुंदर दर्शन देके मेरे वारे न्यारे, करते राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, राधा जी तेरे सदके, मैं कान्हा जी तेरे सदके, कैसी है किस्मत पाई हो, 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 कैसी है किस्मत पाई, सोनी मैं किस्मत पाई, राधा हुई दया दिखला के छवि प्यारी, मुझे कर दिया माला दिखला के छवि प्यारी, मुझे कर दिया माला मां, ओम जी के तपोवन में नंदा चौर सचखंड में, नंदा चौर थड़ा साहेब, वाह नंदा चौर थड़ा सा, दर्श दिया साक्षात प्रभु, नंदा चौर थड़ा साहेब, दर्श दिए साक्षात प्रभु, मीरा जी के प्यारे कृष्ण कन्हाई, मेरे माता जी के भाई, तूने राधा संग जोड़ी जो बनाई, सारे जग के मन को भाई, राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, चार जनवरी का दिन था, ओ, 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 साल था 2015, चार जनवरी का दिन था, बहुत ही महान, इस दिन दिए मुझे दर्शन लाडली और घनश्याम, इस दिन दिए मुझे दर्शन लाडली और घनश्याम, चंडीगढ़ से नंदा चार, भजनों का लगता भजनों का चलता रहा था, रास्ते में मिले कुछ प्यारे ग्वाल बाल, जिनका पूछा हमने हाल, धीरज राहुल में संतोष नंदन हुए निहार, तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, राधा जी तेरे सदके सदके, मैं राधा जी तेरे सदके, कृपा बना है रखना, ओ, 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 कृपा बना है रखना, कृपा बनाए
करो यमुना जी के दर्शन, सुनो संत जनों के सत्संग, करो ब्रिज मंदिरों करो नंदाचार के दर्शन, सुनो संत जनों के सत्संग, ब्रिज रज का माथे तिलक लगाऊं, जीवन सफल बनाऊं, अंत समय तुझ में ही समाऊं, तो फिर मैं धन्य हो जाऊं। राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, राधा जी तेरे सदके, सदके मैं कान्हा जी तेरे सदके। तुमने इस दास पे रहमत करके, सब पाप मेरे हर के, मुझे सुंदर दर्शन देके मेरे मारे न्यारे, करते राधा जी तेरे सदके, कान्हा जी तेरे सदके, तेरे सदके मैं तेरे सदके। के बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, मेरे बापू ओम बापू नंदा चोर वाले नारायण दादी महाराज आपकी सदाई जय। आपके नंदा चोर धाम को कोटि कोटि प्रणाम, आपके थड़ा साहब को, आपके जो है बहुत बढ़िया बोले, आनंद आ गया में। तपोवन को बड़ी देर बाद सुने भजन तेरा, दुनिया ने बरसाना पहुंचा दिया था, बड़ा सुना, वाह वाह अच्छा लगा। एक बार भैया इंडिया आई जाओ, सारे चलते हैं। हाँ, आपके भजन को सुन के ऐसे ही लग रहा था कि सारे पहुंच गए। ऐसा प्रोग्राम बन गया था, नंदाचोर धाम से चलना था बस में बापू हर भगवान जी के साथ, तो उन्होंने एक बार देवी दी थी इजाजत, तो करतार जी को मैंने सारा इंतजाम करवा दिया था बस का, तो फिर महाराज जी बोले नहीं यार, कहना ना लेडीज भी नाल है, दो तीन दिन तू रहेगा उत्थे, कहना मैं ना अगले साल, महाराज ने किया मैं तेरे नाल चलांगा, मैं भी चल, वाह 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 जय जयकार जी उत्थे, जयकारे लाते वृंदावन दे उत्थे नंदा जो ताज भी, महाराज बापू ये ओम नाल चलन गए तो फिर तो और भी बड़ी गल बन जाएगी, क्योंकि उत्थे महाराज ज्ञानानंद जी का हैगा ना डेरा, चांद जी तो दर्शन किए उन्हें डेरे ते, असीं रहे भी हैं उन्होंने डेरे की जगह हैगी काफी, तो मैं इंतजाम कर देना सी, मैं मेरा मन सी 4 जनवरी नू, जिस दिन महाराज ने कृपा की थी ना, ये 2 तरीक नू जाइए, 3-4 नू उत्थे, 4 नू रह के पाए वापस आज, मतलब इस तरह का प्रोग्राम सी, ते देखो जदों महाराज नू होएगा मंजूर, वह आनंद आएगा कितने ना कि तीर्थ यात्रा चलांगे सारे मिलके इकट्ठे, फिर ढोलक सारे मिलके चलेगी, सारी संगत ढोलक छैने साथ में लेके चलेंगे, आनंद आएगा थोड़ा, वाह जी वाह। हाँ जी जय बापू दी, चलो हाँ जी ओम जाप दा तां नाम फिर मिस करो, ओम जाप कराओ जी कराओ, सॉरी मैं समान थोड़ा ज्यादा ले लेना, जो लालच हो जाता जी, कितने दे रहे हो 10 मिनट उपर हो गए। जय बापू जी भाईसाहब, जय बापू दी, जय बापू जी, जय बापू दी, साल चंगा जी, जय बापू जी, जय बापू जी, बापू जा महाराज नंदा चोर धाम बनाया, देखो सारी संगत दर्शन हो, जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूंगा। सुनना आयो,
सुनना वाला जहां मैं जहां ले चलोगे सुन ले। इस तो बाद ओम नाम दा आपा जाप कर ली फिर पहले सुन लो मैं जाना है बहुत भैया पहले सुन लो सुन लो कोई ना वो जा तो डर नहीं रहे सुनना वो क्या बोल रहा है सुना रहा पहले नागपाल जी ने कहता सुना रहा जहां ले चलोगे तो मैंने पता ना उस बाद 15 मिनट मैंने लग जाने रे अच्छा सुना ले पूजा फिर क्विकली सब जकारा लगा बस हूं कोई हिलाई ना प्लीज हूं ना हिलाई ना पी बोल मांग के बिहारी लाल की जय वाजी वाह ले चलोगे वही मैं चलूंगी जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगी जहां नाथ रख दो जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूं जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे wow. ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे तुम्ही मेरे सर्वस्व प्रभु प्राण प्यारे तुम्हें छोड़ करे और किसको कहूंगा जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूंगी ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी करा लो प्रभु आपकी मर्जी ना कोई शिकायत ना कोई अर्जी करा लो प्रभु आपकी मर्जी सहाओगे जो कुछ कहीं मैं चलूंगे जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूं दयानाथ मेरी अवस्था तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था दयानाथ मेरी अवस्था तेरे हाथ में है सारी व्यवस्था कहना भी होगा कुछ तुम्हीं से कहूंगा जहां ले चलोगे चलूंगा जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा जहां नाथ रख दो
वहीं मैं रहूंगी जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, तुम्हारे ही दिन है और तुम्हारे ही रातें, कृपा दृष्टि सब में है सतगुरु प्यारे, तुम्हारे ही दिन है और तुम्हारी ही रातें, कृपा दृष्टि सब में है सतगुरु प्यारे, नारायण प्रभु नारायण प्रभु, पावन रहूंगा जहां ले चलोगे मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे भगवान वहीं मैं चलूं, जहां नाथ रख दो जहां नाथ रख दो वहीं मैं रहूंगी, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं, बोल बांके बिहारी लाल की। वाह भाई वाह, खुश कर दिता पूजा, बहुत सुंदर सुनाया तुम्हारा। थैंक यू। और इको वर्केगा रहूंगा या रहूंगी इको वर्केगा जी, रहूंगा रहूंगी नहीं चलता, इको ही रहूंगा सारे। हाँ रहूंगा कर, कोई गल नहीं, असीं बोलदे आं किन्नी वार कमली दे कुड़ी वाले, कोई प्रॉब्लम, रहूंगी बोलना सारे रहूंगी बोलो। ओम जाप। हाँ जी हाँ जी, ओम बापू नंदा चौर वाले आपकी सदा ही जय, सदा ही जय जी जय। भजन सिंह जी भी आ गए, जय बापू दी, जय बापू, जय बापू दी, सारिआं नूं जी दंडवत प्रणाम, जय बापू जी, खुश, जय बापू दी, जय बापू दी जी, जय ओम बापू शरदा राम जी महाराज आपकी सदा ही जय। Oh,
नंदन चौर है जगते साजिया है जिसकी निराली शान इथे बापू कमाइया कीतिया गुण गावे कुल जहान। नंदा चौर है जगते साजिया है जिसकी निराली शान इथे बापू कमाइया कीतिया गुण गावे कुल जहान। बापू ओम नारायण दत्त दा ए जो है तप स्थान सेवा विच रहंदी हर दम जिना दी बापू हर नाम। इथे पाठां दियां चलन लड़ियां हुंदा गुरबाणी दा गान
ਇੱਥੇ ਰਾਮਾਇਣ ਵੀ ਪਾਠ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਾਣ ਚਲ ਅੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਾਰਿਆ ਧਾਰਿਆ ਮਹਾਬਲੀ ਬਾਪੂ ਹਰ ਨਾਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਣ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਚੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਚੜ੍ਹਾਣ ਸ਼ਾਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਾਪੂ ਕਰਦੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ 125 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਅੰਜਨ ਸੁਰਮਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਨਿਵਾਸ ਨਿਰਵਮਾਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਭੇਦ ਮਿਟਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਮਿਲਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਸੰਗਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਣ ਲੰਗਰ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਕਵਾਨ ਵਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ ਦੰਦਾ ਚੌਰ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਜਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਨ ਬਾਪੂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਰਦੇ ਅਭਿਮਾਨ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪੂ ਹਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ ਇਸ ਦਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਕੋਈ ਤੋਟ ਨਾ ਉਤ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰੇ ਸੰਗਤੋ ਵੇਖੋ ਬਾਪੂ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ 84 ਕੱਟਣੀ ਕੱਟਣੀ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਧਾਮ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ ਧਰਤੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸਮਾਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਤਦ ਤੱਕ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਲੋਂ ਸਦਾ ਹੈ ਮੰਨਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਬਾਪੂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬੋਲਿਓ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਕ ਦੇ ਬੋਲਿਓ ਜੈ ਜੈ ਬਾਪੂ ਸ਼ਰਧਾ ਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਬਣਿਆ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਸਵਰਗ ਸਮਾਨ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਪੜੀ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪਹਿਲੇ ਰੇਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਵੇਰ ਧਰਤੀ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਐਕੂਰੇਟ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ 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 ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂਜੀ ਲਗਾਓ ਜੀ ਲਗਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਆ ਦੋ ਪੇਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸੰਗੀਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾ ਮਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਲਓ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਮਧੂ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਵੇਖੋ
ओके जी ओके मधु जी सुना लो चोर वाले आपकी सदा खुशी है वो शिव शंकर भोले नाथ की जय शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछतागी जोगियों के संग रह के कैसे उम्र बिताओगी शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछताओगी जोगियों के संग रह के कैसे उम्र बिताओगी मेलो में पली गोरा राजकुमारी बन के भंगग तुरेता कैसे रगड़ा लगाओगी शिव तो ठहरे सन्यासी जोगियों के संग रह के कैसे उम्र बिताओगी बोरा तेरे दूल्हे का रूप निराला है सर्पों की माला को देखते डर जाओगी सर्पों की माला को देखते ही डर जाओगी शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछता होगी गोरा तेरे दूल्हे का आगे पीछे कोई नहीं गोरा तेरे दूल्हे का आगे पीछे कोई नहीं दिल वाला हाल गोरा किसे जाके सुनाओगी शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछताओगी जोगियों के संग रह के कैसे उम्र बिताओगी सखियां बोली गोरा से मान लो हमारा कहना सखियां बोली गोरा से मान लो हमारा कहना आप भी रोगी हमें भी रुलाओगी आप भी रोगी हमें भी रुलाओगी शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछताओगी गोरा बोली सखियों से तुम क्या जानते हो जैसे रह पाया मैंने तुम कहाँ से पाओगी जैसे वर पाया मैंने तुम कहाँ से पाओगी शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछताओगी गोरा तेरे दूल्हे का आगे पीछे कोई नहीं दिल वाला हाल गोरा किसे जाके सुनाओगी जोगियों के संग रह के जीवन बिताओगी शिव तो ठहरे सन्यासी गोरा पछताओगी जोगियों के संग रह के कैसे उम्र बिताओगी वो शिव शंकर भोलेनाथ की जय गोरा पार्वती की जय 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 बहुत सुंदर मैं सुना दूंगा फिर पांच सात मिनट की कथा पांच मिनट की सुना दे फिर अपने संगीता जी तो सुनते हैं फिर बापू नंदा चौर वालिया आपकी सदा ही जय दंडौत वंदन अणक बार सर्व कला समरथ जोरन तेरा प्रभु नानक दी कर जेडे दरबार साहब दे विच जेडे अपने कृष्ण जी दी ते राम जी दी इन्हां दी आउंदी है उही कथा इस
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਥਾ, ਇਹ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਜਨਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕਥਾ। ਰਾਜਾ ਬੇਹਦ ਰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਫਾਗਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੱਤ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੈਂਤਨੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਦੀ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਤੇ ਇਸ ਬੋਲ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜੀਓ ਪਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਂਤਨੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਰਾ ਸੰਧ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਕੋਲ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਕੰਸ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ। ਰਾਜਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸੀ ਬੇਹਦ ਰਥ ਦੀਆਂ ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਦੋਵਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇ, ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਘਰ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੋ ਫਾਗਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਲੱਤ, ਇੱਕ ਬਾਂਹ ਤੇ ਅੱਧਾ ਸਿਰ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਾ ਬੱਚਾ ਜਨਮਿਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਦਾਈ ਨੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੈਂਤਨੀ ਆਈ, ਇੱਕ ਦੈਂਤਨੀ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਦੋ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਇੱਕੋ ਬੱਚਾ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦੈਂਤਨੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਫੜ ਕੇ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਿਆਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੋਣ ਤੇ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਉਸ ਦੈਂਤ ਦੇ ਇਸ ਬੋਲ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਉਂ ਪਿਆ, ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ, ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਰਾ ਸੰਧ ਰੱਖਿਆ। ਜਰਾ ਸੰਧ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦੈਂਤ ਪਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦੁੰਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਬਣਿਆ। ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਣੇਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੰਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਗਰਸੈਨ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਈ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਗਰਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੋਈ 18 ਹੱਲੇ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਉਗਰਸੈਨ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ, 18 ਵਾਰ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਾਰਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸ ਮਾਰ ਰਾਜ ਤੇ ਕੀਤੇ, ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲੋਂ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਿਆ ਅਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ ਫੇਰਿਆ ਤਾਂ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਦੇਖਣ। ਅਸ਼ਮੇਧ ਯੱਗ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੜਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਭੀਮ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਗਧ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਰੀਬਰਜ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਤ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭੀਮ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਭੀਮ ਨੇ ਅਰਜਨ ਕੋਲੋਂ ਜਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ
श्री कृष्ण ने दोवां नूं इशारा किया, नाल ही काने नूं चीर के भीम सैन नूं समझाया कि जरासंध नूं चीर सुटो सुटे। भीम ने जरासंध के सज्जे पट उत्ते पैर रख के खब्बे दे नूं उपर कीता तां उसदे जोड़ खुल गए। ਉਹ ਜੈਤਰੀ ਦਾ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਰਾਸੰਧ ਮਰ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜਰਾਸੰਧ ਕਾਲ ਜਮਨ ਸੰਘਾਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਮਾਰ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਖੁੱਲ ਗਏ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਾਨੇ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇੱਧਰ ਸਿੱਟੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੁੜਦੇ ਨੀ। ਰਾਜਾ ਕੰਸ ਭਾਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਦਾ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣੇਵੇਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕੰਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਗਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ। ਇੱਕ ਘੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਕਰੂਰ ਬਲਦੇਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਥੁਰਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੰਸ ਨੇ ਕੁਵਲੀਆ ਨਾਮ ਦਾ ਹਾਥੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖਲਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਵਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰ ਲਵੇ ਪਰ ਮਹਾਵਤ ਨੇ ਹਾਥੀ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸਦੀ ਸੁੰਡ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹਾਥੀ ਨਾ ਸਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹਾਥੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਦਾਓ ਪੇਜ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਖੇਡੇ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕੁਵਲੀਆ ਹਾਥੀ ਬਾਬਤ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੁਵਲੀਆ ਪੀੜ ਆਪ ਮਰਾਇੰਦਾ ਪਿਆਰਾ ਕਰ ਬਾਲਕ ਰੂਪ ਪਚਾਰਾ। 606 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਓਮ ਪੜਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਗਿਆਲਿਆ ਵਸੇ ਵਿਕੁੰਠ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੇ ਹਰੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਨਾਮ ਗਿਆਲਿਆ। ਓਮ ਬਾਪੂ ਨੰਦਾ ਚੌਰ ਵਾਲਿਆ ਆਪਕੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਬੜਾ ਚਿਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸੁਣਾਉਣ ਨੂੰ ਸੰਗੀਤਾ? ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕਣਗੇ ਗੀਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੁਛ ਆਏ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨੀ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਗੀਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਗੀਤਾ ਸੁਣਾਓ ਜੀ। ਜੈ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਗੈਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਗੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਸ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਗੀਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਜਲਦੀ। ਚਲੋ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨੀ, ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਭਈਆ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਪਹਿਨੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਯਸ਼ੋਦਾ ਮਈਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਭਗਵਤ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਸੇ ਥੋੜੇ ਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆਜ ਕਮਨ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਸਾਵਨ ਮਾਸ ਕੀ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਜੈ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਭਜਮਨ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਸ਼੍ਰੀਮਨ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਨਾਰਾਇਣ 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 ਮੋਰ ਮੁਕਟ ਮਾਥੇ ਤਿਲਕ ਬਿਰਾਜੇ ਗਲ ਵੈਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਸਾਜੇ
चक्र सुदर्शन धारायण हरि हरि चक्र सुदर्शन नारायण श्रीमन नारायण 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 भगवन भजमन नारायण 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 वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं बाके बिहारी लाल की जय ओम श्री परमात्मने नमः श्रीमद् भगवत गीता अथ सप्तमोध्याय। हाँ जी प्रभु की प्यारी सास संगत जी, हम सातवें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं जिसमें श्लोक क्रमांक हमने 16 तक श्रवण किए। थोड़ा सा पिछला सारांश लेते हैं क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा हो गया, समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा सारांश, फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। पिछले श्लोकों में भगवान क्या अपने मुखारविंद से अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन के माध्यम से पूरे संसार को ये परमात्मा का उपदेश क्या हमें समझा रहा है, आइए श्रवण करते हैं। भगवान कहते हैं कि सारा जगत सदा त्रिगुण भाव से मोहित रहता है और मनुष्य मोहग्रस्त होकर अपने परम उद्देश्य अर्थात भगवान की उस प्राप्ति को भूल चुका है। ये जगत नश्वर है, इसकी उत्पत्ति स्थिति विलय भी निश्चित है। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी हमें दिखता है वो सब एक ना एक दिन नाशवान हो ही जाना है क्योंकि ये सब परमात्मा की ही माया है, किंतु ये हमें वास्तविक प्रतीत होती है। इस दुस्तर माया से पार होने का केवल एक ही उपाय है, उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जाना, उसका निरंतर भक्ति पूर्वक भजन करना। जैसे जैसे मनुष्य उस मालिक को याद करता है, उस परम पिता की भक्ति करता है, फिर ये माया रूपी पर्दा धीरे धीरे से अपने आप ही हटने लगता है। ये दुस्तर माया के प्रभाव से ये क्षण भंगुर संसार ही सत्य लगता है, ये एक स्वप्न की तरह है तथा हमें जो परमात्मा से दूर कर देता है। अर्जुन भी इसी माया के कारण युद्ध भूमि से भागना चाहता था, किंतु परमात्मा ने कहा कि जिन्हें तुम जीवित मान रहे हो वो तो पहले से ही मृत हैं। यह माया परमात्मा की ही चरणों की दासी है जो मनुष्य को भ्रमित करती रहती है। परमात्मा के प्रति आसक्त होकर जो उनकी शरण में जाता है, सब लोभ त्याग क्रोध अहंकार को छोड़कर जो उस मालिक की शरण में चला जाता है, फिर वो इस माया के रूप से भी इस माया के बंधन से पार हो जाता है। जिस प्रकार जंगल में धूप छाव के प्रतिबिंब जल समझकर मृग उसके पीछे पीछे दौड़ता रहता है, उसी तरह मनुष्य भी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए दिन रात अपनी इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है, भागता रहता है। उसे भगवान की चर्चा या भजन सत्संग उस भगवत चर्चा में कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता, ये सब उसके पूर्व कर्मों के कारण ही है। और जो कुछ अच्छे कर्म करते हैं केवल वो ही परमात्मा की शरणागत में जा पाते हैं और इस माया के बंधन को तोड़ पाते हैं, किंतु जो अल्प बुद्धि है परमात्मा को ना भजकर इस संसार के क्षण भंगुर सुख में ही लिप्त रहते हैं, यही रमते रहते हैं, फिर वो हमेशा जन्म मरण के चक्कर में फंसते रहते हैं। और इसी संदर्भ में आगे भगवान ने कहा था कि भक्ति मार्ग में भी विभिन्न प्रकार के मनुष्य विभिन्न कारणों से भगवान की भक्ति करता है, जिसे चार भागों में बताया था कि कुछ जो दुख के समय में ही केवल परमात्मा को याद करते हैं, कुछ जिज्ञासा अर्थात परमात्मा कहाँ है कौन है उनकी जिज्ञासा में परमात्मा को याद करते हैं, और कुछ ऐसे ज्ञानी जिनका विवेक जाग जाता है निरंतर भक्ति भाव में रहने से उनका अगाध प्रेम जाग जाता है, फिर वो परमात्मा की प्राप्ति करते हैं। परमपिता से किसी भी रूप में की हुई भक्ति
हमेशा अभिष्ट प्रदान करती ही है। भगवान को चाहे जिस भी रूप में याद करें, चाहे सुख में दुख में या जिज्ञासा पूर्वक हमेशा उनका चिंतन करें, तो परमात्मा हमेशा फल अवश्य देते हैं। परंतु परमात्मा के साथ समग्रता से एकाकार होना ही सर्वोच्च भक्ति है। अर्थात जिसके मन में कोई मोह नहीं है, कोई लालच नहीं है, फल की इच्छा नहीं है, जो सुख दुख को समान देखता है, पूर्ण सच्ची भावना से उस परमात्मा को याद करता है, केवल वो ही परमात्मा के साथ एकाकार हो पाता है। ये पिछले श्लोकों में भगवान ने हमें अर्जुन के माध्यम से समझाया। अब अगला श्लोक, श्लोक क्रमांक 17। तेषां ज्ञान नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो प्रियो हि ज्ञानिनो त्यर्थम अहम् सच मम प्रियः। श्लोक में भगवान अपने मुखारविंद से कह रहे हैं कि अनन्य भाव से सदा परमात्मा में चित्त लगाने वाला मनुष्य ही मुझे विशेष प्रिय है। ईश्वर को वही प्यारा होता है जो अनन्य भाव से बिना किसी इच्छा के उस मालिक में अपने चित्त को, अपने मन को लगाए रखता है। जिस प्रकार कातर स्वर में रोते हुए बालक को तुरंत माँ दुलारती है, उसी प्रकार जब पूर्ण समर्पण से हम उस परमात्मा को पुकारते हैं तो वो भी हमारी सहायता के लिए अवश्य आते हैं। इसलिए ईश्वर को हमेशा सच्चे मन से याद करना चाहिए, क्योंकि वही एक सर्वोच्च पुरुषार्थ है। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। जैसे बालक यहाँ पर एक परमात्मा को एक माँ के समान कहा है। हम भी कहते हैं हमारे बापूजी हमारे पिता भी हैं, माता भी है, तमेव माता पिता तुमेव, जैसे हम पढ़ते भी हैं प्रार्थना में। तो उसमें कहने का भाव है कि जब कोई बच्चा रोता है तो पहले माँ उसको एक खिलौना देती है कि शायद चुप हो जाए। बच्चा थोड़ी देर खिलौने के साथ खेलता है, फिर उसको अच्छा नहीं लगता, फिर माँ दूसरा खिलौना दे देती है, फिर थोड़ी देर उसको वो भी नहीं अच्छा लगता। जब ऐसे 3-4 बार जब खिलौनों में उसका मन नहीं लगता, तब जाके माँ उसको पुचकारती है कि हाँ इसको अब वास्तव में मेरी जरूरत है। उसी तरह परमात्मा को जब हम अपने दुख में किसी कष्ट में जब याद करते हैं, तो कभी हमारे आगे भगवान माया का पैसे के आगे लालच दे देते हैं, तो हम उसी में ही खुश हो जाते हैं कि मालिक से तो हमने पैसे की चलो इच्छा थी। ध्यान भटक जाता है कि हमने तो उस मालिक को माना था, लेकिन हमारे सामने धन आ गया, हम उसमें लिप्त हो गए। कभी परिवार की चाह होती है, बच्चों की चाह होती है, तो वो खिलौना मालिक हमारे सामने रख देता है, हम उसमें मग्न हो जाते हैं, फिर मालिक को भूल जाते हैं। तो इसी तरह परमात्मा हमारे आगे भिन्न भिन्न खिलौने रख देता है। ये भी खिलौने संसार में ये सब खिलौने ही है, क्योंकि सब चीज नाशवान है, हम उसमें लिप्त हो जाते हैं, उस मालिक को भूल जाते हैं कि जिसके लिए हमारी जो अंदर की तड़प थी, जिसको हमने याद करना था, जो हमें चाहिए था, हम उनमें हमारी गलती होती है कि हम उन्हीं सांसारिक चीजों में लिप्त हो जाते हैं और उस परमात्मा से दूर होते चल जाते हैं। जब हमारी इच्छा पूरी हो गई हम भूल गए, लेकिन अगर हम उन चीजों को जो हमारे आगे लोभ लालच की वस्तुएं आगे मालिक देता है, हम उसकी उपयोगिता तो समझे लेकिन उसमें लिप्त ना हो, केवल उस मालिक को याद करें, तो अवश्य वो हमारी इस करुण पुकार को सुनकर अवश्य आते हैं और हमें भी फिर उस माँ की तरह अपने गले से लगाते हैं। तो जिसमें हमारा फल ना हो, जिसमें हमारा लालच ना हो, अगर इस भाव से उस मालिक को याद किया जाए, तो वो अवश्य ही उस बालक की भांति उसकी करुण पुकार सुनकर मालिक जरूर, वो परमात्मा जरूर आते हैं। अगला श्लोक, उदारा सर्व एवैत्य ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्ततां गतिम्। 18वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्ति की सभी श्रेणियां उत्तम है, चाहे आप सांख्य योग से करो, ध्यान योग से करो, भक्ति योग से करो, किसी भी विधि से करो, सभी श्रेणियां उत्तम है। भगवान सभी की भक्ति को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं। जो जिस भाव से बजता है उसे परमात्मा उसी रूप से फल भी प्रदान करते हैं। परंतु ज्ञानी भक्त जो परमात्मा को बिना किसी इच्छा से, बिना किसी फल भावना से, अनन्य भाव से बजता है,
तो वह तो परमात्मा की आत्मा है, वह ज्ञानी पुरुष, वह जीव उस मालिक की आत्मा के समान है और उसी के हृदय में हमेशा वास करता है। रामदास स्वामी भक्त की परिभाषा देते हुए कहते हैं, विभक्त नावे तो भक्त, अर्थात जो परमात्मा से एक क्षण के लिए भी पृथक न हो, हमेशा उसकी श्वास पर, उसकी जीवा पर उस मालिक का नाम हमेशा निरंतर चला रहता है, एक क्षण के लिए भी वो अपने प्रभु से, अपने सदगुरु से पृथक नहीं होता, वे ईश्वर के परम प्रिय है। ऐसे लोग, ऐसे भक्त वो परमात्मा के सबसे प्यारे बन जाते हैं, जो एक क्षण के लिए भी अपने मालिक को भूलते नहीं। संत तुकाराम का अगर हम उदाहरण ले तो निष्काम भाव से निरंतर विठल 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 नाम का ही उच्चारण करते थे। वे भगवान से कहते थे कि हे प्रभु, मैंने आपके चरण भक्ति के बदले गिरवी रखे हैं, आपके चरण भक्ति के बदले गिरवी रखे हैं, यदि आप अपने चरणों को छुड़ाना चाहते हैं तो मुझे बदले में भक्ति ही प्रदान कर दीजिए। अर्थात इतना प्रेम, इतना प्रगाढ़ प्रेम उस जो मालिक से करता है, तो सदैव मालिक भी फिर उसके हृदय में ही निवास करते हैं, वो फिर उससे कभी भी अलग नहीं होते। भक्तगण सदैव मेरे हृदय में वास करते हैं और मैं भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। भक्त मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता, जो भी कर्म करता है, जो भी कुछ करता है, वो मुझे समर्पित करके ही करता है, और मैं भी भक्त को कभी नहीं भूलता। क्या संसार उसको कभी भी भूल सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ नाशवान है, परंतु मैं अपने प्रिय भक्तों को कभी नहीं भूलता। मेरे तथा शुद्ध भक्तों के बीच में एक घनिष्ठ संबंध स्थापित हो जाता है, और ज्ञानी शुद्ध भक्त कभी भी आध्यात्मिक संपर्क से दूर नहीं होते, अर्थात निरंतर अपनी साधना भक्ति नाम जपते रहते हैं, वो मुझसे कभी दूर ही नहीं होते, इसलिए वो मुझे अत्यंत प्रिय होते हैं। तो आज के श्लोकों को हम यही विराम देंगे। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पित मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल बाके बिहारी लाल की, मेरे सतगुरु महाराज की जय। बहुत सोना जी, बहुत सोना गीता। कितना सुंदर प्रभु ने उपदेश दिया और कितने सुंदर एग्जाम्पल उदाहरण से ये समझाया कि जैसे माँ खिलौने आगे रख देती है, बच्चा चुप कर जाता है, वैसे हमें जिंदगी में ऐसे कुछ दे देते हैं प्रभु, चलो ये देखते हैं इसको। आराम ये एक गुरु नानक देव जी की भी साखी आई है, वो कहते भी सारे नामदान आपके दर्शनों के लिए, सत्संग के लिए आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। कहते कोई बात नहीं, वो साथ साथ मर्दाना और वो जा रहे हैं, और पीछे से पहले तो महाराज जी ने ऐसे चांदी का सिक्के फेंक दिए अपनी अपनी शक्ति से, वो कई सिक्के लेके पाप पीछे हो गए, फिर ऐसे सोना लेके कई पीछे हो गए, फिर हीरे लेके तो सारे सिर्फ मर्दाना ही रह गया। कहता किसी को मेरे सत्संग का शौक नहीं है, ये तो अपनी अपनी इच्छाएं लेके अपनी अपनी दुनिया की खिलौने लेने के लिए आते हैं, तो इनको खिलौने मिल गए तो तू ही रह गया है, इसलिए ऐसा मत सोचो, ये सब ऐसे ही दुनिया। तो वैसे ही खिलौने जैसे देती ना माँ, तो ये बात ठीक है, हम लोग उसमें देख के खुश हो, बात ठीक है, फिर प्रभु को फिर कभी देख लेंगे यार, उनसे फिर कभी मिल लेंगे, ये प्रबल इच्छा नहीं है। और पहले जो सारांश में बताया इन्होंने, सारा दिन चाहे
20-20 घंटे 15-15 घंटे कोई 14-14 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेने वक्त वो ऐसा मस्कीन जी कहा करते थे, संत सिंह जी मस्कीन, के सारा दिवस मजूरी करे, हर सिमरन की बेला बजर सिर पर, ऐसा बस भगवान का नाम लेने तो ऐसा लगता है पहाड़ गिर पड़ा ऐसा है सिर पे, पता नहीं कैसे इतना मुश्किल है ये, है ना। उस तरफ क्योंकि पिछले जन्मों का हिसाब होता है, किसको किसी को प्रेम होता है किसी को प्रेम नहीं होता, सब इससे दूर भागते हैं बस प्रभु के नाम से। बहुत सुंदर संगीता भी, मिस यू भी, आप इसमें थोड़ा थोड़ा जब भी समय मिले थोड़ा सा सुना दिया करो, भी बहुत सुंदर कमाल है। श्रीमद् भगवद गीता को प्रणाम है, कृष्ण भगवान को, अर्जुन जी को, सबको प्रणाम है, और आपको भी प्रणाम है। आप भी इतने प्रेम से, इतना इतनी आपकी शुद्ध हिंदी शुद्ध संस्कृत, इतने इजीली आप और बड़े सहज से श्लोक पढ़ देती हैं, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत ही हम वी आर सो प्राउड ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू। इनके उच्चारण सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रस्तुति भी जो है वो बहुत लाजवाब है, एकदम थोड़ा सा पल्ले पड़ती है हमारी मंद बुद्धि है। सारी संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है, अपना कीमती समय देते हैं हम लोग, हमें भी थोड़ी समझ लगनी शुरू हो जाती है, नहीं तो भगवत गीता को समझना वो आसान बात नहीं, बहुत मुश्किल है। नहीं मैं भी सत्संग सुनती हूँ, सुधांशु जी महाराज जी का, प्रेमानंद जी का, और किसी संतों पुरुषों की वाणी आ जाती है वो सुनती हूँ समझती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं भी उच्चारण करती हूँ कि आपको जो है सारी संगत को समझ में आए, नोट्स बनाते ऐसे नहीं समझ में आ सकता कुछ भी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि भाई चलो कितना हो सके परमात्मा का नाम लिया जाए, खुश रहो स्वस्थ रहो और दीर्घायु हो आपकी भाई, सब ऐसा अरदास करते। हाँ जी भैया, कृष्ण जी की भैया कृष्ण जी की गीता को और हमारे संगीता को दोनों को प्रणाम है। वाह देखा, नहीं मैं किसी लायक नहीं, आप सबका प्यार आशीर्वाद है यही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। नहीं जितना अच्छा उन्होंने मतलब हमें लिख के समझाया आप उतना हमें बोल के वो समझा रही हो, इसलिए दोनों को प्रणाम। देखो कितने ये कविता मालिक का, मेरे सतगुरु का प्रणाम है, जो इतना प्रेम मेरे अंदर भरते हैं तो मैं बोलने लायक बन जाती हूँ, सब मेरे सतगुरु की कृपा है, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। और हमारे बापू जी को तरस आ गया इसलिए आपको हमारे साथ जोड़ दिया, और इतना अच्छा हमें आप समझाते हो, ये उन्होंने माध्यम बनाया कि इसको बिठाना है यहाँ पर, ये खाली बैठी है वेली, इसको कोई काम नहीं है, इसको सत्संग में जोड़ो, इसीलिए भैया के थ्रू मुझे मैसेज मिला है तो मैं यहाँ आई, बिना मालिक की मर्जी के कुछ नहीं होता, ये प्रभु हमारे अंदर जब प्रेम जगाना चाहते हैं ना तो तभी ये होती है उड़क, नहीं तो बैठे हैं सब अपने घर ही। आइए तो भैया का बहुत बहुत शुक्राना है, बापू जी का शुक्राना है, जो भैया ने ये टाइम जो ना 3 घंटे 3-3.5 घंटे होते हैं, 3-3.5 घंटे ये, और 2 घंटे भैया ने हमारे सपने साफ किए, 5 घंटे भैया ने हमारे बापू जी के नाम पे लिख दिए। दो घंटे कौन से सुखमनी साहब पाठ जो हम आपके माध्यम के लाते हैं, 2 घंटे भैया वो ये आपका ठीक है ना, कहते ना संगत जैसी संगत वैसी रंगत, ये आपकी संगत का अंतर है। बहुत शुक्र शुक्र, आप बस सद्बुद्धि बख्शी रखे प्रभु, बस ऐसी कृपा, बस। और देखो ऑन द स्पॉट शायरी कर दी है, कविता भी कवित्री बन गई है उसने, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कविता भगवत है, कृष्ण भगवान की श्रीमद् भगवत गीता को और जूम संगत प्यारी संगीता को प्रणाम है। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बात कही कविता ने, कविता करने लगेंगे, भजन भी लिखने लगेंगे, बड़ी कृपा है बापू जी से, इनका प्रेम बहुत पक्का है, ऐसे नहीं है, एक एक संगत जो जो बैठा है ना बापू से अंदर से बिल्कुल जुड़े हुए हैं ऐसे पक्के,
चलो जोड़ के ही रखे प्रभु, अभी आपकी बात पूरी हो, हम जैसे जो नहीं जुड़े हमारे पे तस खाते रहे बापू जी। है तो एकलव्य भी साधना करते करते कहाँ पहुंच गया था, हम भी समझ लेते हैं हम एकलव्य हैं, मालिक हमारे साथ नहीं है तो उनकी इमेजिनेशन तो हमारे पास है ना, उनका चिंतन कर लेते हैं तो दर्शन हो जाते हैं। जैसे मामा जी सुना दे कहीं का लेखक के भजन, अब हम सेवक जी के सामने दर्शन भी कर रहे हैं, उनके भजन भी सुन रहे हैं, तो इतने लकी है जब मन करता है नंदा चौर चले जाते हैं। और क्या सब बड़ी हम नहीं पहुंच पाते, कोई नहीं। धन्यवाद आपका, और अभी हरभजन सिंह जी से हाजिरी लगा के फिर विश्राम की ओर चलते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल हाँ जी, ओम बापू नंदा चोर वालिया आपकी सदाई जय। बहुत सही गल है, भगा वाले है कृपा है जिन्हां दे उत्ते बापू दी ओ संगत नाल जुड़दे ने। और बुद्ध प्रकाश ने बड़ी बहुत वड्डी गल कही है, मस्किन जी दी भी गल कही कि बसीना सी हार्ड लेबर करने सारा दिन लगे रहने गया, ते जो उपर वाले दा रब दा नाम लैण दी लोड़ पैंदी है सानू बड़ा पहाड़ जिहा लगदा गा, ते हालांकि मुल कुछ भी नहीं लगता, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਓਮ ਜੀ ਦੀ ਉਹੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਸੀ ਨੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਜਗਤੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਰਾਲੀ ਸ਼ਾਨ, ਇੱਥੇ ਬਾਪੂ ਕਮਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਕੁਲ ਜਹਾਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਹਰਮੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਸੀ ਮਹਾਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਕੁਛ ਅਲਫਾਜ਼ ਲਿਖਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਬਾਪੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਵਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਬਾਪੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਰਹਿਮਤ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਬਾਪੂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਦਵਾਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਸਹਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਮਿਹਰ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੋਲਦੀ ਨਈਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਗੀਤ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨੇ ਗਾਉਂਦੇ, ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦੇ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਮੰਦਰ ਲਾਂਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਹੀ ਜੈਕਾਰੇ ਨੇ। ਪਰ
अर्श कर रहे सत्संग जी उस बंद जिदा ईमान ना कोई यकीन उस ते नहीं करना, जिदा ईमान ना कोई यकीन उस ते नहीं करना, ए बंदे झूठे हुंदे ने लांदे लारे ही लारे ने, ए बंदे झूठे हुंदे ने लांदे लारे ही लारे ने। ए दो लाइना मैं विशेष तौर ते जिदी आपां गीता दे पाठ अध्याय दे जा सुन रहे सी उहदे च भी आया है, अर्ज कर रहे हां कि जेड़े सेवा नहीं कर दे ते सिमरन भी नहीं कर दे, जिंदगी दित्ती उपर वाले ने उहदे विच उहदा नां नहीं लिया ते बेकार ही है, कि जेड़े सेवा नहीं कर दे ते सिमरन भी नहीं कर दे, जेड़े सेवा नहीं कर दे ते सिमरन भी नहीं कर दे, ओ बाजी जिंदगी दी फिर सदा हारे ही हारे ने, ओ बाजी जिंदगी दी फिर सदा हारे ही हारे ने। सेवक बापू दे गर्दिश विच नहीं रहंदे सितारे ने, सेवक बापू दे गर्दिश विच नहीं रहंदे सितारे ने, चमक दे ओ दे सेवक दे सितारे ही सितारे ने, सेवक बापू दे गर्दिश विच नहीं रहंदे सितारे ने, चमक दे ओ दे सेवक दे सितारे ही सितारे ने, चमक दे ओ दे सेवक दे सितारे ही सितारे ने। तेरे उच्चे मंदर बापू बड़े सोने नजारे ने, तेरे उच्चे मंदर बापू बड़े सोने नजारे ने, रहमत बापू दी हो जावे, रहमत बापू दी हो जावे नजारे ही नजारे ने, रहमत बापू दी हो जावे नजारे ही नजारे ने, तेरे उच्चे मंदर बापू बड़े सोने दवारे ने, तेरे उच्चे मंदर बापू बड़े सोने दवारे ने। शुक्रिया सत्संग जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बिलकुल जी, उन्हां दा ते किनारे भी ने सहारे भी ने नजारे भी ने, वाह वाह बापू दा जय हो। हुण आपां मेरा सब ने लगा ली हाजरी ते नागपाल जी दिओ विश्राम, महाराज दे नाम दा लाओ। बापू नंदा चवर वालिया आपकी सदा, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संतां दी प्रतपाल जी मेरे सतगुरु, कर दे संतां दी प्रतपाल जी मेरे सतगुरु, नाम इना दा श्रद्धा राम प्यारा, श्रद्धा राम प्यारा, नाम श्रद्धाराम प्यारा, श्रद्धा राम प्यारा, साडे लई साई कोई सहारा सहारा, साडे लई साई कोई सहारा सहारा, करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु, करुणामयी सरकार जी मेरे सतगुरु।
यह सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु है सचमुच कृष्ण मुरार जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु ऐसे हैं दीन दयाल जी मेरे सतगुरु ओम बपनंदा चार वाले परम बापू ठाकुर जी महाराज बापू महाराज रूढ़ सिंह जी महाराज जी आपकी सगाई जय बापू मन नारायण दास जी बापू प्रणाम जी बापू शरदा नाम जी महाराज आपकी सगाई बापू गुरदास राम जी बापू भानुदास जी बापू हर भगवान जी महाराज आपकी सदा लगती है बापू जी मेहर करना अंग संग सहाई होना चढ़दियां कलाई रखना सब दियां हाजियां देखे रहनियां चरणा की गिनती बखनी हे बापू जी सच्चे पातशाह अपने सेवकां नूं तंदरुस्तियां बख्शो निरोगी काया बख्शो बापू जी खुशियां बरताओ घरां दे विच अपने सेवकों की आपे रखो आपे नाम साल होया कृपा करो दीन के दाते हमारा गुण गुण ना विचारो कोई सच्चे पातशाह नानक दास है सुख मांगे पूरे अंतर्यामी करता मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे पूरे कई प्यारे मिलो जिनमें लाभ जी का पवित्र नाम चेते आवे नानक नाम सरबत का भला वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।